बैक टू माय YouTube चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस, अभी हम लोग हैं गौरव टावर के अंदर और अभी हम लोग जो है वो स्वीट कॉर्न का जो है वो आनंद ले रहे हैं। राघव के हाथ में स्वीट कॉर्न है और राघव जो है वो बड़े ही प्यार से जो है बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से जो है वो स्वीट कॉर्न का आनंद ले रहा है। तो राघव अपने आप देखिए, राघव जो है वो राघव अपने व्यूअर्स को हाई तो कर दीजिए। तो गाइस, अभी हम लोग जीटी के अंदर जो है वो काफ़ी सारे व्यंजन्स का आनंद लेंगे और साथ में काफ़ी सारी शॉपिंग करके जो है अपने दिन को जो है, क्योंकि दिन पूरा जो है वो गर्माहट भरा दिन था और अभी हम शाम की जो है वो नमी को जो है वो यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। अभी हम लोग पूरा जीटी मॉल को जो है वो घूमेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या आज संडे का जो है कुछ खास है। तो बने रहिए हमारे साथ में, चलते हैं जीटी का निरीक्षण करने और दिखाते हैं आपको जीटी क्रिस्टल कोर्ट और बाकी और कुछ भी। तो गाइस, वैसे तो जयपुर में काफ़ी सारे मॉल्स जो हैं वो बन चुके हैं, बट आज भी जो जीटी के अंदर जो एंट्री आती है और जीटी के अंदर जो वीकेंड के ऊपर जो गैदरिंग होती है, आई डोंट थिंक कि वैसी गैदरिंग जो है वो किसी अन्य मॉल के अंदर होती होगी। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह के शोरूम्स हैं। बाहर जो चौक है उसके अंदर आपको वुडलैंड, बाटा, बालक, मोची और इस तरह से जो है वो काफ़ी सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे वोडाफोन का स्टोर भी आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ जो है आपको काफ़ी सारे गारमेंट शॉप, लेडीज़ गारमेंट शॉप, मोबाइल के कवर के शॉप्स और टैटू शॉप्स, बारबर शॉप और बालों की धुलाई वाले शॉप्स वगैरह, ये आप सब आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सैटरडे संडे का कुछ अलग ही माहौल होता है। तो गाइस, जीटी के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अभी हम लोग चलते हैं WTP की तरफ, जिसका नाम वर्टेड पार्क है, और हम लोग आपको दिखाते हैं अंदर से वर्टेड पार्क जो है वो कैसा है और यहाँ पे किस किस ब्रांड के जो है वो शोरूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जस्ट WTP की पार्किंग के पास में और आप जो आगे देख पा रहे होंगे ये फोर व्हीलर की जो है वो पार्किंग है और उसी के जस्ट आगे जो है वो टू व्हीलर की पार्किंग है। तो गाइस, ये जो पार्किंग जारी है नीचे की तरफ, जो आप आगे गाड़ी की लाइन जो देख पा रहे होंगे, ये है फोर व्हीलर की पार्किंग और ये आगे जो है वो टू व्हीलर की पार्किंग है। बट हमने हमारी गाड़ी को जो है वो ऑलरेडी दूसरी जगह पार्क किया हुआ है, तो हम यहाँ पे पैदल चल के जो है वो WTP के पास आ गए हैं। तो अभी हम लोग जो जाएंगे वो जाएंगे शॉपर स्टॉप वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे हमें एक घड़ी जो है वो गिफ्ट के लिए जो है वो लेनी थी। ये देखिए, यहाँ पे जो ग्लोब है वो पानी के प्रेशर से जो है वो ग्लोब यहाँ पे आपको घूमता हुआ दिखेगा। तो ये टेक्निक जो है वो हम काफ़ी यूनिक टेक्निक है जिसके अंदर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये पानी के ग्लोब जो है वो कैसे घूम रहा है, बट वो पानी के प्रेशर से घूम रहा है। तो गाइस, अभी आप यदि आप इस मॉल्स के अंदर WTP मॉल के अंदर आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मास्क जो है वो कंपलसरी है। बिना मास्क के आपको जो है वो एंट्री यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ अपना मास्क अपने साथ लाएँ। हम लोग आ चुके हैं अभी ऊपर की तरफ और देखिए नीचे की तरफ जो है ये फाउंटेन और पब्लिक का जो है इस तरह से व्यू है। अभी हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं जहाँ पर एक गोल्ड कलर का जो है वो पिलर काफ़ी अल्टीमेट लुक देता है इस मॉल को। और आप देखिए चारों तरफ जो है वो ब्रांडेड शोरूम्स की जो है यहाँ पे कतार है और एलिवेटर जो है वो यहाँ पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे जो है बीच के अंदर ये झाड़ जो लगा हुआ है ये भी काफ़ी यूनिक है। बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जीटी के बाद में वर्ल्ड ट्रेड पार्क के अंदर और अभी आपको सैर करा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क की। और बने रहिए हमारे साथ में, अभी बहुत कुछ आपको देखने को बाकी है, तो बहुत कुछ आपको दिखाते हैं कुछ ही चंद पलों के अंदर। जयपुर का जितना भी यूथ है और कॉलेज और स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो
काफ़ी सारे लोग जो है वो वीकेंड्स पे यहाँ पर शॉपिंग करने प्लस विंडो शॉपिंग करने जो है वो यहाँ पे आते हैं। अभी आप देखिए चारों तरफ जो है वो ब्रांडेड के शोरूम्स की शोरूम्स यहाँ पे अवेलेबल है। जी हाँ गाइस, इस मॉल का जो लुक है वो कुछ अलग ही है। यहाँ पे आपको क्रोमा का शॉप भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जितने भी ब्रांडेड्स हैं, चाहे आप फ्लाइंग मशीन हो या लुइस पीपी हो, और काफ़ी सारे जो है जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है वो शोरूम यहाँ पे आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ WTP आना है यदि आप ब्रांड के शौकीन हैं और ब्रांडेड चीज़ ही आप लेना पसंद करते हैं। तो एक सिंगल डेस्टिनेशन में आपको सारा जो सामान जो है वो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आइसक्रीम और कॉफ़ी वगैरह की शॉप मिल जाएगी। ये यहाँ पर जो है वो फूड कोर्ट है, जहाँ पे चारों तरफ जो है फूड्स खाने वालों की जो है जयपुर के जो चटोरे हैं उनकी जो है वो लाइन यहाँ पे लगी हुई है। तो गाइस, ये अम्ब्रेला जो उल्टा लटका हुआ है, इसका भी एक अलग और यूनिक लुक जो है वो ये मॉल देता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भीड़ जो है वो काफ़ी लबालब जो है वो ये भरा हुआ है। किसी ने जो है वो मास्क पहना हुआ है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। तो गाइस, एंट्री गेट के ऊपर जो है वो मास्क कंपलसरी है। अंदर आपकी आपकी चॉइस है कि आप मास्क उतार देते हैं तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है। यहाँ पे बिस्ट्रो 57 भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको काफ़ी सारे जो लोकल ब्रांड्स हैं उनके आपको खाने पीने के शॉप्स भी आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पिज़्ज़ा हट भी आपको मिल जाएगा, और काफ़ी सारे पिज़्ज़ा और फास्ट फूड के आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस, आप कॉफ़ी के शौकीन भी हैं तो कॉफ़ी भी आप यहाँ पे आकर पी सकते हैं। कबाब्स एंड करीज का भी आउटलेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अभी IPL का मैच, हम आए थे संडे को, तो IPL का मैच जो था वो लाइव यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यदि आप मूवी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको सिनेमा हॉल भी जो है वो इसी मॉल के अंदर आपको मिल जाएगा। कैवेंटर्स का भी आपको यहाँ पर आउटलेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप कॉफ़ी और जूस का जो है वो आनंद ले सकते हैं। अभी हमें जाना था शॉपर स्टॉप की तरफ, तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं शॉपर स्टॉप की तरफ। सामने आपको आइकॉन किड्स का आउटलेट दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस, ये है टॉयस का शो। यहाँ पे आपको सभी तरह की वैरायटी वाले जो है वो टॉयस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जो सामने देख पा रहे होंगे, जी हाँ गाइस, यही है शॉपर स्टॉप, और हमारी डेस्टिनेशन जो है वो यही ही थी हमें, क्योंकि हमें यहाँ से जो है वो कुछ परचेजिंग करना था। तो जी हाँ गाइस, हम यहाँ पे आप वॉच परचेज करने के लिए जो है वो आए हैं। और देखिए, आप शॉपर स्टॉप जो है वो हमेशा यूथ का जो है वो मतलब फेवरेट जो है वो आउटलेट रहा है, जहाँ पर एक ही
छत के नीचे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है, मेंस का अलग है, वुमेंस का अलग है, किड्स का अलग है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्लस वॉचेस का जो परफ्यूम्स का जो है वो अलग है, क्योंकि हमें जो है वो वॉच चाहिए थी, तो हम लोग जो है वो अभी सबसे लोएस्ट जो इसके फर्स्ट फ्लोर वाला जो है उस वाले सेक्शन में हमें जाना है। तो अभी हम लोग जो है लेडीज़ वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अब इसी के नीचे जो है वो आपका वॉचेस वाला जो है वो सेक्शन है, ये भी लेडीज़ का ही स्टार्टिंग से है। और यहाँ पे आपको सूट और सलवार और आपको परफ्यूम्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक आइटम्स भी जो है वो आपको वैराइटीज़ जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और आप सामने देख पा रहे होंगे ये है वॉच का सेक्शन, जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स की जो है वो वॉचेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो जी गाइस, अमित आप जब तक वीडियो को आनंद लीजिए, जब तक हम जो है वो वॉच सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें जो है वो गिफ्ट देना है, ताकि उसको ये गिफ्ट जो है वो पसंद आए। तो उसके लिए हमें आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम देना होगा। तो आप वीडियो जो है वो चलता रहेगा, वीडियो आप कंटिन्यू देखते जाइए और इस शॉपर स्टॉप पर ज़रूर आइए। तो गाइस, हमने जो है वो वॉच परचेज कर ली है और अब जो है इस वर्ल्ड ट्रेड पार्क से बाहर निकलने का जो है वो वक्त हो चुका है, क्योंकि समय जो है वो रात के 10 जो है वो बज चुके हैं। और अभी भी यहाँ पर जो भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जो है अभी रात के 10 बज चुके हैं। जो बेसिक शोरूम से वो बंद हो चुके हैं, उसके अलावा बहुत से आउटलेट जो है वो अभी भी खुले हुए हैं। हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अभी कुछ खाना चाहिए। तो जी हाँ, हम कोस्टा कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी का आनंद लेते हैं और उसके बाद आपको जल्द ही आगे ज्वाइन करते हैं। तो जी हाँ गाइस, हमने कॉफ़ी का जो है वो आनंद ले लिया है। अभी हम लोग जो है वो बेसमेंट में आ चुके हैं, जो इसका ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे जो है वो रेलगाड़ी जो है वो अंदर चलती है, तो इसके अंदर क्योंकि हमारी एज जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो हम इस रेलगाड़ी का जो है वो इस ट्रेन का जो है वो आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम आपको जो है वो इस रेलगाड़ी को चलते हुए ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि इस प्रेमाइसिस के अंदर इस तरह से जो है वो रेलगाड़ी का चलना बड़ा ही सुहावना और बड़ा ही अच्छा लुक देता है। तो कदम हमारे जो है वो बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं और सामने आप देख पा रहे होंगे मेट्रो का जो है वो शूज़ का आउटलेट है, और ये क्रॉक्स का जो है यहाँ पे आपको सब वैरायटी ऑफ क्रॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ हॉर्स पेपर्स का जो आपको मिल जाएगा, फ्लाइंग मशीन्स का जो है वो आउटलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पेपे जीन्स का, लिवाइस का, ये सभी आउटलेट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे न्यू और ओल्ड कलेक्शन जो है वो आपको दोनों चीज़ जो है वो आपको देखने को यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो गाइस, ये है दीवार पे बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर, और ये है यहाँ पे एरावत हाथी जिसके ऊपर महावत जो है वो बैठा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर एक मार्बल का जो है वो अलग से एक लुक देता है, और ये यही जो है वो चीज़ इसको यूनिक बनाता है। अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर की तरफ और बाहर निकलने का जो है वो वक्त हो चुका है। तो गाइस, लेते हैं आपसे विदा और जल्द ही आपको नेक्स्ट संडे के अंदर दूसरे ब्लॉक के अंदर आपको हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जी हाँ गाइस, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है और आपके लाइक और कमेंट्स जो है हम में एक एनर्जी जो है वो फुलफ़िल कर देते हैं। तो गाइस आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।